आलाकमान सभी पहलुओं पर पहले आपस में मंथन और विचार विमर्श करके काफी पहले निर्णय कर लेता है। बस आलाकमान अपने निर्णय जनता के समक्ष सही टाइम आने पर बताता है। हाल ही में उदाहरण के तौर पर देखिए तो हाईकमान ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय काफी समय पहले ही ले लिया था। इस बात का एक प्रमाण ये है कि बीजेपी ने जयपुर में 4 सीटों को सुरक्षित करते हुए मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं को जिताने के लिए विद्याधर नगर से दिया कुमारी, सांगानेर से भजनलाल शर्मा को मैदान में उतारा। बता दें, भजनलाल शर्मा को सांगानेर सीट से चुनाव लड़वाना अपने आप में एक संकेत था कि भजनलाल शर्मा को कहीं ना कहीं भारी जिम्मेदारी मिलने वाली है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पूरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान में सबको चौंका दिया था, वैसे ही क्या पार्टी मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले चेहरों को मौका देगी, ये देखने लायक होगा। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि भाजपा में राजनीतिक निर्णय जैसे टिकट वितरण, मुख्यमंत्री का चयन अचानक हो जाता है, तो ये सब आपका भ्रम है। पार्टी की पूरी एक्सरसाइज जमीनी जानकारियां इकट्ठी करके डिटेल में प्रेजेंट की जाती है। बता दें, मंत्रिमंडल में देरी होने की वजह ये नहीं है कि अभी तक मंत्रियों का चयन नहीं हुआ है, दरअसल मंत्रियों का चयन तो पहले ही हो गया है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल शर्मा का नाम तय हुआ था। पर शायद कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मंत्रिमंडल गठित होने के लिए अभी सही टाइम नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आलाकमान का लक्ष्य लोकसभा चुनाव जीतना या सिर्फ सत्ता में आना नहीं है, बल्कि 20 साल तक राज्य में सत्तारूढ़ रहना है। इसीलिए राज्य में पार्टी की ओर से सतयुगी प्रशासन देने का लक्ष्य चुना गया है। सतयुगी प्रशासन देने का लक्ष्य पार्टी ने इसलिए चुना है क्योंकि इस बार सिर्फ भाजपा न सिर्फ आगामी लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, बल्कि अगले 20 साल तक राजस्थान में सत्ता में रहने का लक्ष्य बना रही है। इस बार प्रदेश में नए युवा विधायकों की संख्या ज्यादा है जो मंत्री बन सकते हैं, इसलिए सरकार चलाने में इस बार अफसरों की भूमिका अहम हो सकती है। इस बार युवाओं की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि काफी नए युवा विधायक का चुनाव जीत कर आए हैं। युवाओं की इस परिस्थिति को देखते हुए और समझते हुए मोदी शाह की सरकार ने जो मॉडल राजस्थान में अपनाया है, उसमें जरूरी निर्णय दिल्ली में लिए जाएंगे और जयपुर में उन निर्णयों का ईमानदारी से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। आज के समय के नेता या विधायक अगले 20 साल तक सरकार में बने रहे, ये जरूरी नहीं है, पर भजनलाल शर्मा की सरकार के द्वारा जो सरकारी अफसरों की शासन की नींव रखी जाएगी, वो परिपाटी और पद्धति जरूर 20 से 25 साल तक चल सकती है, अगर राजस्थान में नया मॉडल या नया माइंडसेट नए तरीके से जनता के सामने रखा जाए। ऐसे में देखने लायक होगा कि राजस्थान की नई सरकार जनता के सामने कौन सा नया मॉडल लेकर आती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।